हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा करंट का टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों इस साल में और अगले साल के लिए भी, खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न दोस्तों कौन सा अवार्ड होता है, कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला अवार्ड इसके अंदर जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या कहता है दोस्तों, दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दोस्तों कौन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देश में दिया जाने वाला, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है दोस्तों, आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, द खेल रत्न अवार्डेड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 एंड 1992। आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था या फिर कब से खेल रत्न अवार्ड दिए जाने स्टार्ट हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर आपके दो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों वो कंफ्यूजिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर पता होगा कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्योंकि दोस्तों मैं इस नाम को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही एक और अवार्ड दिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान नहीं है। ध्यान से मेरी बातों को सिर्फ सुनते रहिए दोस्तों, आपके यहां से बिल्कुल एक दो नंबर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल पूरे होने वाले हैं। कब दिया गया था यह आपको पता चल चुका है 1991-1992 में। अब यहां पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट रिसिपिएंट वाज चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद, हम सभी इनको जाते हैं, शतरंज के एक बहुत ही जाने माने विश्व स्तरीय लेवल के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं इसका अगला ये पॉइंट क्या कहता है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है, इट इज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका मतलब दोस्तों इसमें दो पॉइंट यहां पर बहुत ही अच्छे कंप्लीट हो गए। पहला क्या हुआ दोस्तों, पहला तो ये हो गया कि ये अवार्ड दोस्तों एनुअली दिया जाता है, मतलब हर साल ये दोस्तों अवार्ड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, और कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको देती है। अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है, एज पर द रिवाइज क्राइटेरिया। अब दोस्तों ये आपको पता था कि इससे पहले इस खेल का नाम क्या था, अगर आपको पता है तो दोस्तों अभी बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका अभी नाम चेंज हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे स्लाइड में चलते चलते, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर मुझे बताइए। द परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इज कंसिडर फॉर द अवार्ड। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर इसमें की गई है कि दोस्तों आपको ये किस बेस पर दिया जाएगा, ये दोस्तों आपको दिया जाएगा जो कोई भी हमारा खिलाड़ी है उसके पिछले 4 साल के जो भी उसकी अचीवमेंट्स रही हैं, पिछले 4 साल का उसका दोस्तों देखा जाएगा कि इस खिलाड़ी ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, उसके बेसिस पर ये दोस्तों अवार्ड दिया जाता है। याद रखिए हर साल ये दोस्तों अवार्ड दिया जाता है, लेकिन किसे दिया जाता है, क्या कंसिडर करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर दो को दोस्तों देखा जाता है कि उस एथलीट ने पिछले 4 साल के अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की थी। और दोस्तों जब इस खेल रत्न का नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो दोस्तों ये किस आधार पर दिया जाता, ये दोस्तों दिया जाता था सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर। ये दोस्तों यहां पर बहुत ही दोनों अच्छे पॉइंट यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि द नेम ऑफ द अवार्ड हैज बीन चेंज फ्रॉम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया, आप सभी लोगों को पता होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कम्स विद अ प्राइज ऑफ 25 लाख। अब दोस्तों इसकी प्राइस कितनी हो गई है, अब दोस्तों इसकी प्राइस हो गई है 25 लाख रुपए। पहले कितनी थी इसकी दोस्तों, 7.5 लाख रुपए इसकी प्राइस थी, और एक मेडल सर्टिफिकेट ये सभी दिया जाता था। और दोस्तों इस स्लाइड में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि 2021 के अंदर किसे किसे ये अवार्ड मिल चुका है, तो दोस्तों वहां से भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए, यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इतने हाईलाइटेड हैं, तो दोस्तों ये हाईलाइटेड है क्यों है, इनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही जल्दी से इनको देख लेते हैं, छोटा सा परिचय यहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे, ये आप सभी लोगों को पता है। और दोस्तों इन्होंने कब हॉकी के खिलाड़ी, इन्होंने कब से कब तक हॉकी खेली थी दोस्तों, 1926 से 1949 तक इनका दोस्तों कार्यकाल रहा था जो इन्होंने खेला है। और दोस्तों
इन्होंने अपने पूरे करियर में इंटरनेशनल गोल 400 इन्होंने अपने गोल किए थे। अब दोस्तों यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद कब से कब तक होगी खेले तो उनके इंटरनेशनल गोल कितने हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जन्म कहां हुआ था, इलाहाबाद में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों जो हमारी बहुत ही स्वर्णिम काल रहा था हमारा ओलंपिक का हॉकी में, उसमें दोस्तों इन्होंने भारत के लिए 3 मेडल हॉकी के अंदर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कब कब वो मेडल थे, 1928, 1932 और 1936 के अंदर दोस्तों लगातार यहां पर मेजर ध्यानचंद जी उस टीम का हिस्सा रहे थे और बहुत ही अहम भूमिका थी उन ओलंपिक्स के दौरान। अब दोस्तों यहां पर अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस खेल रत्न अवार्ड के अलावा भी इनके नाम पर एक और अवार्ड दिया जाता है, वो कौन सा होता है, कंट्री का हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड, किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वो भी दोस्तों किसके नाम पर दिया जाता है, वो भी दोस्तों मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही दिया जाता है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है, ध्यानचंद अवार्ड नाम है दोस्तों उसका, याद रखिए। दोनों ही पॉइंट वीडियो को आप रिपीट करके देखिए कि मैंने क्या क्या बताया है। और ये दोस्तों कब दिया, कब से स्टार्ट किया गया था, ये 2200 दोस्तों अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। अब यहां पर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, द नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है देश के अंदर, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त को, जब क्या होती है हमारे मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो दोस्तों उस दिन को हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। ये डेट क्या है दोस्तों, 29 अगस्त, ये दोस्तों, और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था ये सभी हम जानते हैं, 29 अगस्त 1905 का दोस्तों इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 29 अगस्त को क्या बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन बन ही सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2021 के अंदर कितने लोगों को क्या मिला है, कितने लोगों को दोस्तों यहां पर ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड किस किस को मिला है। यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नाम हैं, यहां से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला नाम आपको दिख रहा है नीरज चोपड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है नीरज चोपड़ा कौन है, ये आपको पता होगा कि एथलीट में, फील्ड एथलीट में भारत के लिए सर्वप्रथम गोल्ड लाने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, कब, ओलंपिक 2020 में, ये आप सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेवलिन थ्रो में। अब दूसरा दोस्तों नाम क्या है यहाँ पर, रवि कुमार, एक हो गए दोस्तों नीरज चोपड़ा, दूसरा नाम रवि कुमार दहिया, ये भी दोस्तों इस बार रेसलिंग में क्या लाए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। और ये दोस्तों थर्ड नाम क्या है यहाँ पर, लवलीना बोरगोहान, ये दोस्तों कहां से आती है, इन्होंने भी दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता है। श्रीजेश पीआर, ये दोस्तों कौन है, इंडियन हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर है। अवनी लेखरा, ये दोस्तों बहुत ही इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है पैरा शूटिंग में, पैरा शूटिंग में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और दोस्तों यहां पर इन्होंने 2 मेडल हासिल किए थे, एक ब्रॉन्ज मेडल लिया था और एक दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। यहां से भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है पैरा ओलंपिक में प्रथम महिलाएं दोस्तों ये हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब दूसरा नाम यहां पर दोस्तों क्या है, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल दोस्तों इन्होंने भी पैरालंपिक्स में किसमें, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत, इन्होंने दोस्तों पैरा बैडमिंटन में यहां पर इन्होंने मेडल जीता है। कृष्णा नागर, इन्होंने भी दोस्तों पैरा बैडमिंटन में ही हमारा क्या जीता है, मेडल जीता है। मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग के अंदर मेडल जीता है। मिथाली राज, मिथाली राज पे दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, मिथाली राज को दोस्तों बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, मिथाली राज से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि मिथाली राज देश की पहली महिला क्रिकेटर है जिन्हें दोस्तों खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। बिल्कुल दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। अगर दोस्तों आपको पता है अब तक ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिन्हें ये खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, बिल्कुल उनका कमेंट में आप मुझे नाम बताइए, बहुत ही अच्छा होगा आप सभी लोगों के रिविजन के लिए भी। और दोस्तों सुनील छेत्री को भी इस बार दोस्तों क्या मिला है, खेल रत्न अवार्ड मिला है। सुनील छेत्री दोस्तों आपको पता है कि भारत के फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से आते हैं और विश्व में भी दोस्तों उनका काफी अच्छा खासा नाम। और दोस्तों मनप्रीत सिंह, ये भी किसी दोस्तों परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। मनप्रीत सिंह दोस्तों इस बार जो हमारी इंडियन हॉकी टीम दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ये उसके कप्तान रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल